आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। आम की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक आम लिया है और एक प्याज ली है। आम और प्याज को हम छील लेंगे, फिर इसे अच्छी तरह से धोकर इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आम प्याज को काट लिया है, अब इसे हमें पीसना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, जार में हम इसे ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालना है, 7 से 8 पत्ती पुदीने की डाल देनी है। थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालना है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। 2 इसमें लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च को मैंने हल्का सा भून लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया स्मोकी सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा इसमें गुड़ डालना है, गुड़ से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा और थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पानी से हमारी चटनी थोड़ी सी लिक्विडी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, ये देखिए। तो चलिए इसे हम एक बाउल में पलट लेते हैं। इसे आप रोटी पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, मैंने इसे पलट लिया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकॉन की बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।